आईपीएल 2022 में अगर किसी टीम ने कंसिस्टेंसी के मामले में सबसे ज्यादा स्कोर किया है तो मेरी समझ से वो टीम रही सनराइजर्स हैदराबाद। अब देखिए भैया, एक बार ये लगातार मुकाबले कंसिस्टेंटली जीतते चले गए 5-6 और उसके बाद उतने ही मुकाबले लगातार हारे भी, लेकिन जो हार थी वो कहीं ना कहीं टीम को बेहाल कर गई, थोड़ा सा दुख दर्द पीड़ा को बढ़ा गई। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जो बीत गई वो बात गई। 2023 की बातचीत करते हैं, आखिर इस टीम को क्या सीख मिली है, कौन कौन से खिलाड़ियों को इस टीम को थोड़ा सा अलविदा टाटा गुड बाय कहना पड़ेगा अपनी आईपीएल 2022 की परफॉर्मेंस और कहीं ना कहीं टीम को ध्यान में रखकर ये इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे। तो भैया सभी हैदराबादी बिरयानी वाले फैंस के लिए बहुत ही खास खास बहुत ही लाजवाब वीडियो है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे ताकि इस तरीके की दिलचस्प वीडियो मैं जब भी बनाया करूं लगातार आपकी फेवरेट टीम के लिए आप तक पहुंचती रहे। और ऐसे में हम बात करें नंबर एक नाम को लेकर, पहला नाम ही बड़ा नाम रखूंगा इस टीम के रिटेन्ड अनकैप्ड प्लेयर अब्दुल समद साहब। बात कुछ इसी तरीके की है कि साहब देख लीजिए 2022 में देख लीजिए 12 मुकाबलों के लिए बेंच पर बिठाए रखा हैदराबाद टीम ने अब्दुल को, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि वो जो शुरुआत में वो रिटेन किया था आपने बड़ा, यहां पर वो जोहरी एकदम हीरे की तरह आपने इस खिलाड़ी को रखा, लेकिन भाई फिर वो शाम ढलते ढलते 2022 खत्म होते होते वो जो हीरा था वो आपने कोयले की तरीके से छोड़ दिया कि भैया हमारे किसी काम का नहीं है। और ये दिक्कत का विषय है क्योंकि अब्दुल समद देखिए युवा खिलाड़ी है, सिर्फ दो ही मुकाबले तो आपने उनको जो है मौका दिया और उसके बाद आपने अपनी टीम का समीकरण ही बदल दिया कि जहां पर अब्दुल समद की प्लेइंग 11 में जगह ही फिक्स नहीं हो पाई। तो दो बातें हैं, पहली बात तो हैदराबाद का मैनेजमेंट ही संतुष्ट नहीं है अब्दुल समद से, वो उन्हें रिलीज कर देंगे। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि समद साहब खुद बोलेंगे कि भैया अगर आपको मुझे मौका नहीं देना है ना तो कम से कम रिलीज कर दीजिए, किसी और तरफ जाऊंगा, ऑक्शन में जाऊंगा, क्या पता मुझे मौका चांस और यहां पर कुछ करने का एक जुनून और एक मंच मिल जाए क्योंकि जो शायद मुझे यहां पर नहीं मिल पा रहा है। तो दो बातें हो सकती हैं और ये दोनों बातें इसी तरफ रिवॉल्व करती हैं कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अब्दुल समद को हैदराबाद टीम आईपीएल 2023 ऑक्शन के पहले रिलीज करते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके बाद भैया जो दूसरा नाम है, अब मेरी समझ से ये तो श्योर शॉट है, मैं बात कर रहा हूं कैरिबियन पावर रोमारियो सेफर्ड की। अब देखिए ऑक्शन में ना तो इस टीम ने जान लगा दी थी, ऑल आउट गए थे रोमारियो सेफर्ड के लिए, 7.75 करोड़ रुपीज खर्च किया, जो ये जो है दर्शा रहा था कि भैया इस ऑलराउंडर की स्किल को ना बहुत अच्छे तरीके से हैदराबाद यूटिलाइज करेगी। लेकिन हुआ क्या, पूरे सीजन में मिला मात्र 3 गेम, जी हाँ मात्र 3 मुकाबला, वो भी जो तीसरा मिला था जो अच्छा मुकाबला था उनके लिए वो एकदम आखिरी मुकाबला था, सब कुछ खत्म हो चुका था, गुड बाय टाटा हो चुका था। लेकिन रोमारियो की तरफ से देखा जाए तो जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने परफॉर्म किया था, स्पेशली इन द लास्ट गेम एज आई टोल्ड यू। लेकिन बात वही है ना कि जब इतने मौके नहीं मिले तो मैनेजमेंट के पास एक्चुअली स्लॉट भी नहीं थे क्योंकि आपके पास केन विलियमसन को खिलाना है, एडन मार्करम को खिलाना है, मार्को यानसन को खिलाना है, निकोलस पुरन को खिलाना है और उसके बाद आपके पास विदेशी खिलाड़ी का स्लॉट है नहीं। अब जब ये 4 आपके फिक्स्ड प्लेयर हैं, इनको आप रिटेन भी करोगे आगे फिर से खिलाओगे तो कोई सेंस नहीं बनता कि आप 7.75 करोड़ रुपीज बैकअप खिलाड़ी के लिए रखो जिनको आपको पूरे सीजन में 2 या 3 मुकाबले खिलाने। अगर आपको फ्यूचर में चलकर उन्हें लगातार चांस देना है जिसके चांसेस अभी भी बहुत कम है, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ शट डोर फॉर रोमारियो, एटलीस्ट ये इन्हें रिलीज तो करेंगे, हो सकता है कि बैकअप के ही तौर पर फिर से खरीद लें लेकिन सस्ते दामों में खरीदना चाहेंगे। 7.75 करोड़ ये जस्टिफाई किसी भी एंगल से नहीं होगा। और उसके बाद तीसरा नाम अब मैं रखूंगा अफगानिस्तान के लेफ्ट आर्म पेसर फजल हुक फरूकी को, क्योंकि बात ये है कि प्राइस तो सिर्फ 50 लाख है, लेफ्ट आर्म में तो वैरायटी भी आ रही है लेकिन आपके पास इतने पेसर हैं भैया, इतने पेसर हैं, आपको जरूरत ही नहीं है, अब जरूरत है आपको विदेशी स्लॉट खाली करके एक टॉप क्वालिटी फॉरेन स्पिनर लाने की, तो उसके लिए आपको विदेशी स्लॉट को अपने खाली कराना है और इतने अच्छे अच्छे पेसर्स आपके पास, पेसर्स की कोई कमी है नहीं और ये इस टीम को अच्छे से पता भी है कि हमारे पास टॉप क्वालिटी स्टार्टर्स भी हैं, बैकअप भी हैं, हमारे पास भारतीय भी एक्सपीरियंस है, तो शायद इस टीम को फजल हक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि एज आई टोल्ड यू इस टीम को टॉप क्वालिटी स्पिनर्स चाहिए तो ये इस खिलाड़ी को रिलीज करते हुए नजर आ सकते हैं, अपने स्लॉट को खाली कराते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके बाद भैया नंबर 4 नाम देखिए मैं रखूंगा न्यूजीलैंड के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स, जिनको आईपीएल 2022 में हैदराबाद ने एक सिंगल गेम नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया पूरे इंटायर सीजन, वो भी जब आपके कप्तान केन विलियमसन की परफॉर्मेंस एज एन ओपनर कितनी खराब रही। लेकिन वही बात है, यहीं पर आप फंस जाते हैं जब आपका कोई विदेशी कप्तान होता है। अब केन विलियमसन की फॉर्म नहीं है, वो बल्ले से रन नहीं बना रहे, अगर वो कप्तान नहीं होते तो शायद कोई और होता तो उन्हें ड्रॉप कर देता और यहां पर ग्लेन फिलिप्स को मौका भी मिलता, लेकिन क्योंकि अब वो कप्तान है तो फिर आप फंस जाते हो, आपके पास कोई यहां पर ऑप्शन नहीं बचता है और इसीलिए ग्लेन फिलिप्स को मौका नहीं मिला। 1.5 करोड़ का इनका बेस प्राइस था और आंकड़े इससे ज्यादा हमारे पास शो करने के लिए कुछ है नहीं, तो ग्लेन फिलिप्स आप खुद बोलेंगे कि अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको मुझे मुकाबले खिलाने नहीं है,
राजस्थान के लिए भी पहले इन्होंने खेला था, फिर वहां पर रन भी नहीं आए थे, 3-4 मुकाबले मिले थे, तो ये कहेंगे कि भैया इससे बढ़िया मुझे छोड़ ही दो, और अगर नहीं छोड़े हो तो फिर खिलाओ। तो ये दोनों बातें यहां पर होंगी, या तो छोड़ा जाएगा या तो फिर खिलाया जाएगा, लेकिन खिलाने वाला चांस मुझे मुश्किल ही नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि ग्लेन फिलिप्स को हैदराबाद टीम रिलीज करते हुए नजर आ जाए। और इसके बाद भैया बात करें इस लिस्ट में लास्ट बट नॉट द लिस्ट नंबर 5 नाम, एक और विदेशी नाम। मुझे लगता है ये टीम अपने विदेशी प्लेयर्स पर ही ज्यादा फोकस करेगी, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी तो फिर भी जैसे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, डिसेंट कर रहे हैं, लेकिन विदेशी प्लेयर्स पर काम करने की बहुत जरूरत है हैदराबाद टीम को। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं सेन अबॉट के बारे में। अबॉट ने SRH मैनेजमेंट को इम्प्रेस नहीं कर पाया, ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि 2.4 करोड़ आपने इनको दिए थे और आपने सिर्फ एक मुकाबला खिलाया, वहां पर ये भैया इकोनॉमिक 11 के पार चली गई, बहुत पिटाई हुई, और उसके बाद आपने इनको बिठा दिया कि भैया हो गया, दैट इज इट, हमने देख लिया, हमें आपकी जरूरत नहीं है, और अब हम दूसरे खिलाड़ियों को मौका देंगे। मार्को यानसन को आपने खिलाया, उन्होंने लगातार परफॉर्म किया, फिर आप कंसिस्टेंटली उन्हीं के साथ जाते हुए भी नजर आए हो, आपके वो श्योर स्टार्टर भी अब आगे नजर आ रहे हैं, तो विच एक्चुअली इंडिकेट इट एक्चुअली मींस कि ऐसा हो सकता है कि टीम फिर सन अबॉट को रिलीज करेगी, किसी और विदेशी खिलाड़ी की तरफ देखेगी, और अच्छे यहां पर अब विदेशी स्लॉट को तैयार करने की हैदराबाद टीम को जरूरत है, और खासकर अब भारतीय खिलाड़ियों में भी यहां पर काम किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और ये है यहां पर 5 ऐसे प्रमुख नाम जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं श्योर शॉट है, जिन्हें हैदराबाद टीम IPL 2023 के पहले रिलीज करते हुए नजर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है इनमें से कौन से नाम को आप अपनी टीम में देखना चाहते हो, कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, और किसको आप भी चाहते हैं कि हैदराबाद टीम रिलीज करे। अब अगर इनके पर्स स्लॉट की बात है, देखिए अगर इन्होंने शेफर्ड को रिलीज कर दिया, इन्होंने अगर अबॉट को रिलीज कर दिया, तो कुछ ये ऐसे बड़े नाम है ना जो अच्छे खासे आपको प्राइस देकर जाएंगे, आप 10 से 15 करोड़ के आसपास अपने पास रखोगे पर्स में, विच इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं हैदराबाद टीम इन खिलाड़ियों को रिलीज करने का विचार बना सकते हैं। आपको क्या लगता है, एक बार फिर से अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरीके का एक्सक्लूसिव खासम खास और बहुत ही कमाल कॉन्टेंट आपको लगातार यहीं पर देखने को मिलता है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।